अगली खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में खुलेंगे 100 आंचल कैफे। दुग्ध विकास विभाग ने तैयार किया रोड मैप, दुग्ध उत्पादों की होगी मार्केटिंग और ब्रांडिंग। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसकी घोषणा की है। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, देहरादून से विभाग की ओर से बना दिया जाएगा कैफे। विभाग की ओर से ही बनाकर कैफे दिए जाने के फैसले किया गया है। कमीशन के आधार पर संचालित होगा कैफे। शहीदों के आश्रितों, राज्य आंदोलनकारी, दिव्यांग महिलाओं, युवाओं को मिलेगी प्राथमिकता। देहरादून से अगली बड़ी खबर, बात करेंगे सोनू से। सोनू, जिस तरह से ये उत्तराखंड में 100 आंचल कैफे खुलने की बात की जा रही है, और जो कि विभाग ही इसको बनाकर कैफे को देगा, दुग्ध विकास विभाग, क्या अधिक जानकारी इन 100 आंचल कैफे को लेकर? देखिए शानी साहब, जो दूध का, ये दूध से जुड़ा पूरा मामला है, कैफे बनाने की बात जो की जा रही है, ये विभाग ने एक रोड मैप तैयार किया है कि जो लोग हैं, खास तौर पर आंदोलनकारी हैं या महिलाएं हैं, युवा हैं या दिव्यांग जो हैं, उन सभी को ये कैफे दिए जाएंगे और इससे ब्रांडिंग की जाएगी। जो उत्तराखंड सरकार का आंचल, जो दूध का सरकार ने एक नाम रखा है, आंचल ब्रांड तैयार किया है, उस आंचल नाम की ब्रांडिंग की जाएगी, मार्केटिंग की जाएगी और इसको और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है कि उत्तराखंड में दूसरे प्रांतों से जो दूध का कारोबार है वो हो रहा है, हम ये कह सकते हैं कि जो दूध के कारोबारी हैं वो दूसरे प्रांतों के यहाँ अपना दबदबा कायम किए हुए हैं। ऐसे में सरकार ये कोशिश कर रही है कि दुग्ध का विकास कैसे किया जाए, दुग्ध उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे अपनी ब्रांडिंग को, जो सरकारी ब्रांडिंग विभाग की जो नाम निर्धारित किया है, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इसी के तहत ये 100 कैफे खोले जाने की योजना है। इसमें जहां एक और कुछ लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, वहीं दूध की ब्रांडिंग हो सकेगी और सरकार कहीं ना कहीं इससे राजस्व भी प्राप्त कर सकेगी। तो ये कोशिश की जा रही है दुग्ध विकास मंत्रालय की ओर से। दुग्ध विकास मंत्री ने इस बात को बयां किया है कि वो 100 ऐसे कैफे खोलेंगे तो निश्चित तौर पर शुद्ध दूध मिलेगा, और क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो ये कोशिश और प्रयास ये कितना आने वाले समय में सफल हो पाएंगे ये देखना होगा। जी शान जी, निश्चित रूप से। और जिस तरह से हम बात करें तो जो कि अगर बात कर रहे हैं दिव्यांग महिलाओं की, और दिव्यांग जो भी वहां पर दिव्यांग हैं, महिलाएं हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए ये एक अच्छी खबर है क्योंकि उनको बेरोजगारी से भी मुक्ति मिलेगी। दुग्ध विकास संघ जो है पूरा इसका जिम्मा ले रहा है, बनाकर देने को तैयार है, पूरा कैफे पूरा रेडी होके तैयार होके मिलने को तैयार है, इसमें बस मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जरूरत है। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसकी घोषणा की। आप बने रहिए अगली खबर पर भी सोनू हमारे साथ।